नवजोत सिंह सिद्धू या यूं कहें कि मनमौजी सिद्धू बीजेपी से कूदकर कांग्रेस में आए और कांग्रेस में भी लगातार उनका आना जाना लगा रहता है। जी हां, बीते मंगलवार को अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया था और फिर से उनकी कांग्रेस में वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। सिद्धू ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री ने मुझे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, आज दोपहर 3 बजे पंजाब भवन चंडीगढ़ पहुंचकर बातचीत करेंगे, किसी भी चर्चा के लिए उनका स्वागत है। इससे पहले एनडीटीवी से बातचीत में आज सुबह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि बहुत जल्दी पंजाब कांग्रेस का मुद्दा सुलझ जाएगा, लगे हाथ। उन्होंने यह भी कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। मुस्तफा ने कहा कि वह अगले विधानसभा चुनाव में पंजाब के कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे और सभी समस्याओं का समाधान होगा। आपको बता दें कि चन्नी सरकार के कुछ फैसलों और कुछ नापसंद लोगों के कैबिनेट में जगह देने से नाराज सिद्धू ने 28 सितंबर को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया। इसके बाद बुधवार को भी एक वीडियो संदेश में उन्होंने लड़ाई लड़ते रहने की बात कही थी। जुलाई के आखिरी हफ्ते में उन्हें पंजाब कांग्रेस का प्रमुख बनाया गया था। आगे हम आपको बता दें कि इसी बीच सिद्धू अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आज सुबह उनके आवास पर किसी ने भी जाकर मुलाकात नहीं की है। माना जा रहा है कि पार्टी के कड़े रुख के बाद सिद्धू के रुख में नरमी आई है। कल ही सीएम चन्नी ने भी सिद्धू से बात की थी और कहा था कि अगर किसी मुद्दे पर आपत्ति है तो उसे बातचीत के जरिए ठीक किया जा सकता है।